पराधीन राज्य के कई कंपनियों के कर्मचारियों को बेरोजगार किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में पाली जी कंपनी के प्रबंधक ने कर्मचारियों को काम से निकाल दिया है, जिसके चलते पाली जी कर्मचारियों ने पाली जी कंपनी बहादुरा में आंदोलन किया। पाली जी कंपनी के प्रबंधक द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को काम से निकाल दिया है। काम से निकाल देने की वजह कामगारों का काम ठीक ठाक से नहीं करना बताया जा रहा है, लेकिन कामगारों ने यह कारण पूरी तरह से झूठा होने का आरोप लगाते हुए कहा कि कंपनी प्रबंधक बाहर के राज्यों के कामगारों को लाकर हमें निकालकर उन्हें रोजगार दे रहा है। मी जवळपास 20 वर्षापासून इथे कार्यरत पार्लेचं बिस्किट बनवतो शिवपुर्स मध्ये आणि जवळजवळ 10 ते 12 वर्षापासून प्रतिनिधी आहे इथे। जुन्या मालकासोबत एकदम मधुर संबंध आणि सगळं व्यवस्थित असताना मॅनेजमेंट बदली झाल्याबरोबर यांनी कामगाराची युनियन तोडण्यासाठी आणि इच्छे जे स्थायी कामगार आहेत त्यांना बदलवून इथे परप्रांतीय आणण्याचा घाट जो यांनी टाकलेला आहे त्याचा आम्ही विरोध केला। मालकाने वारंवार आम्हाला जीव मारण्याची धमकी दिली, त्यासंबंधी आम्ही पोलीस स्टेशन हुडकेश्वरमध्ये कंप्लेंटसुद्धा केल्या पण त्याच्यावर कारवाई झाली नाही। परंतु मालकाने या विरोधात आम्हा सर्व 3-5 पैकी 3 कामगार प्रतिनिधींना निलंबित केलं। निलंबित केल्यावर आम्ही कामगार आयुक्तामध्ये गेलो, कलेक्टर ऑफिसमध्ये गेलो, जितके आपण अथॉरिटी आहे सगळ्याकडे गेलो, तिथं मीटिंग्स लागल्या पण मीटिंगला यायला सुद्धा हे लोक तयार नाही। कंपनी प्रबंधक और कर्मचारियों के बीच की ये लड़ाई आखिरकार क्या रंग लाती है, इसमें किसकी जीत या हार होगी, इस ओर निगाहें लगी हुई है। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मिरी की रिपोर्ट।